हाय दोस्तों, मैं हूं अर्नब। मैं आज आप लोगों को एक डॉक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको पूरी दुनिया ने हीरो मान लिया है। और उस महान डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ली विनलियम। ये कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1986, जब चाइना के एक छोटे से शहर वेंजिन में ली का जन्म होता है। बहुत ही ज़्यादा धैर्य और शांत स्वभाव के ली को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। ली पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और उनको बेंचिन हाई स्कूल में भर्ती कर दिया गया था। इन 2004 नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ली 609 पाकर बहुत ही अच्छा स्कोर किया और उनको वुहान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में पढ़ने का मौका मिल गया। वुहान यूनिवर्सिटी में रहकर ली ने क्लिनिकल मेडिसिन के ऊपर 7 साल का बैचलर डिग्री हासिल किया। इस वक्त ली ने कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्वाइन कर लिया था। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ली वुहान शहर में ही अपना करियर का शुरुआत किया एज अ ऑप्थर्मोलॉजिस्ट, जिसे हम आँख के डॉक्टर भी कहते हैं। ली एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे और वो पेशेंट से बहुत प्यार करते थे। सब कुछ सही चल रहा था और ली के घर में एक दूसरा चाइल्ड आने वाला था। धीरे धीरे ली के ज़िंदगी में सब कुछ बदलने लगा। उन्हें एक ऐसा बीमारी के बारे में पता चला। वो दिन था 30 दिसंबर 2019। ली वो पहले इंसान थे जिसको पता चल गया था कि ये बीमारी बहुत खतरनाक होने वाला है। और हमारे यहाँ जैसे व्हाट्सएप चलता है, लेकिन चाइना में वीचैट चलता है। वी चैट के ग्रुप में ली अपने दोस्तों को इस बीमारी के बारे में बताने लगे। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि इस बीमारी का नाम है कोरोना वायरस और कोविड-19। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट हर जगह नज़र रखता है आवाज़ को दबाने के लिए। और चाइनीज गवर्नमेंट को इस चैट के बारे में पता चल गया और यहीं पर चाइनीज गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ली के बुलाकर इन सब के बारे में चुप रहने को बोला और कुछ फॉर्म में भी साइन करवा लिए। उसके बाद ली भी कॉन्टामिनेटेड हो गए थे। उनको भी धीरे धीरे ये बीमारी लग गई थी। धीरे धीरे उनका हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगा था और उनको पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया। क्वारंटीन में रहने के समय ली लोगों को इस बीमारी के बारे में सतर्क करने लगे थे और धीरे धीरे उनके साथ लोग जुड़ते गए थे। धीरे धीरे ली का हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था और 7 फरवरी 2020 को सुबह 2:50 पे ली का देहांत हो गया। ली लोगों के साथ ऐसे जुड़ गए थे कि ये सब कुछ 1.5 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे। और फिर पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आवाज़ उठने लगी। और अब तो यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गया है। चाइनीज गवर्नमेंट की एक गलती की वजह से देखिए, आज पूरी दुनिया में 17 लाख से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 4 लाख लोग इस बीमारी से रिकवरी भी कर चुके हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और आप भी घर पर रहिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। चलिए दोस्तों, हम सब लोग इस महान डॉक्टर ली हुनलियांग की बलिदान को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम भी कोरोना वायरस से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। घर पर रह के ही हम लोग इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। सब लोग मुंह पे मास्क यूज कीजिए, हाथ धोने के समय सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर ही रहिए, बाहर मत निकलिए। ऐसे ही हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।